नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से ट्रांसलेट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की, जिसका टाइटल है द फिशरमैन्स ड्रीम, यानी कि एक मछुआरे का सपना। फिशरमैन यानी होता है मछुआरा, तो इसका एक सपना था, क्या था, कैसे हुआ, वो सब आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। और बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, उसकी मीनिंग आपको बताऊंगा, साथ ही साथ यदि ग्रामर के कुछ पोर्शन होंगे वो भी मैं आपको समझाते चलूंगा। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो इसका टाइटल है, जैसे कि मैंने बताया, द फिशरमैन्स ड्रीम, मछुआरे का सपना। देखिए अपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा, इसका मतलब का के की, यानी फिशरमैन का सपना, यानी एक मछुआरे का सपना। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, कहीं पर देयर वॉज अ, कहीं पर एक मछुआरा रहता था। देयर वॉज अ फिशरमैन मतलब कहीं पर एक मछुआरा था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहता था, लिव्ड यानी रहता था। इन अ स्मॉल हट, एक छोटे से झोपड़ी में, स्मॉल हट यानी होता है झोपड़ी। ऑन अ सी कोस्ट, ऑन यानी पर, अ सी कोस्ट मतलब एक समुद्र के किनारे पर, सी कोस्ट मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र तट। द फिशरमैन हैड अ बोट, फिशरमैन के पास एक बोट था, बोट यानी नाव। Every morning, हर सुबह, he would take his boat, वह अपना बोट ले जाता था, take यानी ले जाना, वह अपना बोट ले जाता था, and go fishing into the deep sea, और जाता था, go यानी जाता था, fishing यानी मछली पकड़ने, into यानी में, the deep sea, deep यानी होता है गहरा, sea यानी समुद्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाता था हर सुबह। He earned his living by selling fish, वह कमाई करता था, लिविंग यानी अपने जीवन के लिए कमाई करता था, जीवन जीने के लिए कमाई करता था, बाय सेलिंग फिश, मछलियां बेचकर, इन द मार्केट, मार्केट यानी बाजार, बाजार में मछलियां बेचकर वह अपने जीवन जीने के लिए यानी जीवन निर्वाह करने के लिए कमाई करता था। एंड लिव्ड हैप्पीली विथ हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहा था। उसका देखिए, वन मॉर्निंग, एक सुबह, अब यहां से देखते हैं, वन मॉर्निंग, एक सुबह, द फिशरमैन सडनली फेल्ट, फिशरमैन अचानक से, फेल्ट यानी हो गया, क्या हो गया, वेरी डिस्पिरिटेड, डिस्पिरिटेड मतलब होता है मायूस होना, जैसे हम बोलते हैं डिस्पिरिट हो जाना यानी मायूस हो जाना, एंड ग्लूमी और उदास, एक सुबह बहुत ज्यादा मायूस और उदास हो गया। दैट डे, उन दिनों, ही डिड नॉट हैव फन, वह मस्ती नहीं कर रहा था, हैव फन यानी मस्ती करना, विद द चिल्ड्रन यानी बच्चों के साथ, प्लेइंग इन द सैंड, सैंड यानी होता है रेत, रेत में खेलकर यानी अपने बच्चों के साथ रेत में खेलकर मस्ती नहीं कर पा रहा था। This worried his wife, ये उसकी पत्नी को क्या कर रहा था, परेशान कर, worried यानी होता है चिंता करना, इससे उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। She asked him, उसने उससे पूछा, him यानी उससे, उसने यानी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, asked यानी पूछना, Why are you so depressed, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। देखिए डिस्प्रेस्ड होना यानी उदास होना, मायूस होना, तुम इतने ज्यादा मायूस क्यों हो टुडे यानी आज। आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट यानी क्या तुम नहीं, फीलिंग वेल मतलब अच्छा महसूस करना, फीलिंग यानी महसूस करना, वेल यानी अच्छा। इज एनीथिंग बॉदरिंग यू, क्या कुछ तुम्हें, एनीथिंग यानी कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है, बॉदरिंग यानी होता है परेशान करना, ये भी नया मिला आपको। देखिए बॉदरिंग, मैं जो भी समझ नहीं आता है या फिर जो हार्ड वर्ड है उसे मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए लिख के रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो। बोदरिंग यू यानी कोई तुम्हें परेशान, कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, लक्ष्मी, उसकी वाइफ का नाम लक्ष्मी था, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम, मैंने एक बहुत ही अच्छा सपना देखा। यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ है लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा सपना आई, आई हैड या मतलब सपना आई, आई ड्रीम दैट, I dream that, मैंने सपने में देखा, that कि I was the king of a state, मैं एक राज्य का राजा हूँ, I was the मतलब मैं था, एक राज्य का, state यानी राज्य का राजा, and that you were my queen, और तुम मेरी रानी थी, we lived in a grand palace, हम एक बहुत ही सुंदर महल में, grand palace यानी बहुत बड़ा महल, राजमहल जिसे कहते हैं, बहुत बड़े महल में रहते थे, lived यानी रहते थे।
आई वर ब्यूटीफुल सिल्क रोब्स, मैंने वर यानी होता है, वोर यानी होता है पहनना, वियर का ये वोर पास्ट टेंस, वियर यानी पहनना, वोर यानी पहना था, क्या पहना था, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, सिल्क रोब्स यानी होता है पोशाक, रोब्स यानी होता है पोशाक, सिल्क यानी सिल्क आपको पता है रेशम का पोशाक पहना हुआ था। आई हैड अ स्टड क्रॉन, और मेरे पास क्या था, जड़ा हुआ, क्रॉन यानी होता है ताज, और मेरे सिर पर, देखिए ऑन माई हेड, और मेरे सिर पर एक ताज जड़ा हुआ था, यानी मेरे सिर पर एक ताज था। एंड वोर अ डायमंड नेकलेस, और वोर यानी जैसे बताया वोर यानी पहना हुआ ना, और मैंने क्या पहन रखा था, एक डायमंड नेकलेस, डायमंड यानी हीरा, नेकलेस यानी हार, हीरो का हार पहन रखा था। यू टू, तुम भी, वो लवली सिल्क क्लॉथ, तुम भी पहनी हुई थी लवली यानी सुंदर सिल्क क्लॉथ यानी रेशम का कपड़ा। एंड यू वर, और तुम, बेडेक्ट विथ अ गोल्डन नेकलेस, बेडेक्ट यानी होता है सजा हुआ होना, यानी सजी हुई थी, तुम भी सजी हुई थी विथ अ गोल्डन नेकलेस यानी सोने के हार से सजी हुई थी। एंड बैंगल्स, और चूड़ियां, देखिए बैंगल्स यानी चूड़ियां, गोल्डन नेकलेस यानी सोने के हार और सोने की चूड़ियों से तुम सजी हुई थी। वी वर सिटिंग ऑन द थ्रोन इन अवर रॉयल कोर्ट, वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे ऑन द थ्रोन, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, इन अवर रॉयल कोर्ट यानी हमारे शाही दरबार के सिंहासन में हम बैठे हुए थे। ये सपना वो अपनी पत्नी को सुना रहा है, देखिए यहाँ पे वो अपनी पत्नी को सपना सुना रहा है, यहाँ पे सोने का, देखिए ये सभी हार पहने हुए हैं, ये उसके पास सिंहासन है, यहाँ पे सोने का मुकुट पहना हुआ, ताज जिसे हम कहते हैं, तो ये सभी पहना हुआ था, ये सपना सुना रहा है। फिर क्या होता है, देखिए सडनली अचानक से अवर चिल्ड्रन केम रनिंग टू अस, हमारे बच्चे दौड़ते हुए, केम यानि आए, रनिंग टू अस हमारे पास दौड़ते हुए आए। एंड कॉल आउट टू मी, और मुझे जगा दिया, कॉल आउट टू मी मतलब मुझे पुकारा, क्या पुकारा, फादर फादर यानि पापा पापा, या पिताजी पिताजी, फादर यानी बहुत से लोग पापा बोलते हैं, ऐसे फादर का मतलब हिंदी में पिता होता है, यानी कि पिताजी पिताजी। आई वोक अप विथ अ स्टार्ट, और मैं झटके से उठ गया, अ स्टार्ट यानी झट, जैसे स्टार्ट करते गाड़ी को झटका मिलता है, यानी अचानक से, मैं अचानक से उठ गया, वोक अप यानी होता है जागना, वोक अप यानी जागना, मैं अचानक से जाग गया। व्हेन आई लुक्ड अराउंड, और जब मैंने चारों तरफ देखा, लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी चारों तरफ, आई रियलाइज दैट मैंने महसूस किया, आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई कोट, मैं अपने खाट पर सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग मतलब सो रहा था, आई एन जी लगा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है क्योंकि वॉज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज स्लीपिंग यानी मैं सो रहा था, ऑन माई कोट मेरे खटिए पर, कोट यानी वैसे तो बहुत से लोग पलंग बोलते हैं लेकिन बेड यानी पलंग होता है, खाट खटिया जो रस्सी से बना हुआ होता है उसे हम कोट कहते हैं। इन अवर स्मॉल हट, इन यानी में, अवर स्मॉल हट यानी हमारे छोटे से झोपड़ी में, मैं खाट में सो रहा था। आई वॉन्डर, मैं सोच रहा था, वेयर माई क्राउन, मेरा ताज कहाँ है, एंड माई पैलेस, और मेरा महल, हैव डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मतलब होता है गायब हो जाना, या डिसअपीयर्ड यानी ओझल हो जाना, आकर गायब हो जाना, और मेरा महल वहां से गायब हो गया। एंड लुक, और देखा Your rich cloth, तुम्हारे महंगे कपड़े, also have, वो भी disappeared, वो भी गायब हो गए थे, ओझल हो गए थे। What a miserable life, कितना दुखी जीवन है, what a miserable, miserable यानी दुखी, दुखी जीवन होना, यानी देखिए यहाँ पर भी miserable नया वर्ड आपको सीखने को मिला है। Saying this, ऐसा कहकर, the fisherman began to weep, और जो मछुआरा था, began यानी शुरू कर दिया, begin यानी होता है शुरू करना, began यानी शुरू कर दिया, यानी past tense की बात हो गई, to weep, weep यानी होता है रोना, cry यानी भी रोना, weep यानी भी रोना, तो वो रोना फिर से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, रोना, रोने की शुरुआत कर दिया, फिर से रोने लगा। द फिशर्समैन वाइफ वॉज सेंसिबल, और मछुआरे की पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, वॉज यानी थी, सेंसिबल यानी होता है समझदार होना, वुमैन यानी औरत, उस मछुआरे की पत्नी बहुत समझदार औरत थी। सी कंसोल्ड हर, सी यानी उसने, कंसोल हर यानी उसने उसे सांत्वना दिया, दिलासा दिया। हस्बैंड, हर हस्बैंड यानी अपने पति को उसने दिलासा दी। डू यू रियलाइज दैट, क्या तुम महसूस करते हो, रियलाइज यानी महसूस करना, दैट व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट एंड क्राइंग, कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, अबाउट थिंकिंग यानी सोच रहे हो, एंड क्राइंग और रो रहे हो। फॉर वॉज जस्ट अ ड्रीम, जो केवल एक सपना था, बट व्हाट यू सी बिफोर यू, लेकिन
क्या तुम देखते हो, क्या तुम देखते हो, बिफोर यू यानी तुम्हारे सामने, नाउ इज द रियलिटी तुम्हारे सामने ये सच है, दिस इज अवर लाइफ ये हमारा जीवन है, वी हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट हमें इसके बारे में अबाउट यानी इस विषय में कोई भी कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन होना ना शिकायत होना, नथिंग टू कंप्लेन यानी कोई भी शिकायत नहीं है, हमें हमारे जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। God has given us, भगवान ने हमें दिया है, given us यानी given यानी देना, हमें दिया है, us यानी हमें, this nice, इस छोटे से, nice little यानी छोटे से अच्छे से, hut to live in, hut यानी झोपड़ी, इस छोटे से प्यारे से सुंदर झोपड़ी में रहने के लिए, यानी झोपड़ी हमें दिया है भगवान ने, छोटा सा झोपड़ी सुंदर सा हमारे रहने के लिए, we own a boat, हमारे पास एक नाव है, own, own यानी खुद के पास होना, we own a boat, हमारे पास एक नाव है, to यानी भी, God has given us, भगवान ने हमें दिया है, two lovely children, दो प्यारे बच्चे, children यानी बच्चे, in fact, ये सच है, God, यहाँ, in fact यानी यहाँ तक कि, God has given us, भगवान ने हमें दिया है, everything, वो हर चीज, everything यानी हर चीज, a man needs, जो एक व्यक्ति की आवश्यकता है, need यानी जो चाहता है, आवश्यकता है, To lead a happy life यानी खुशी जीवन जीने के लिए, lead यानी होता है आगे बढ़ना जीने के लिए, Don't you think we are very happy? क्या तुम नहीं सोचते कि हम बहुत खुश हैं? क्वेश्चन मार लगा यानी प्रश्न पूछ रही है, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, द फिशरमैन वॉज, और जो मछुआरा था वो क्या हो गया, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड होना यानी आश्वस्त हो जाना, उसकी बात मान लेना, उसकी बात को समझना, वो उसकी बात से आश्वस्त हो गया, ऑफ हिज वाइफ्स एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब उसकी व्याख्या, उसने जो भी बात कही उससे वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, अ ग्लैम ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्ट होना, ग्लैम यानी होता है रोशनी की किरण, और उसके चेहरे पर क्या गया, रोशनी की किरण आ गई, एंड हैप्पीनेस और खुशियों की, क्रॉस हिज फेस, उसके चेहरे से पास कर रहा था, क्रॉस यानी होता है पास करना, यानी उसके चेहरे से एक खुशी रोशनी एक झलक रही थी संतुष्टि और खुशी की, वंस अगेन एक बार फिर, ही बिकम अ चीयरफुल मैन, वह बन गया, बिकम यानी फिर से बनना, अ चीयरफुल मैन यानी हसमुख आदमी बन गया, ही थैंक्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया यानी धन्यवाद दिया, थैंक यानी धन्यवाद देना, किस्ड हिज चिल्ड्रन और अपने बच्चों का, अपने बच्चों को प्यार से चूमा, किस यानी चूमना होता है, हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को प्यार से चूमा, लविंगली यानी प्यार से, एंड वॉज और engrossed, engrossed है ना मग्न हो जाना, अपने काम में मन लगा के काम करना, मगन हो जाना, उसे engrossed कहते हैं, in his daily work, अपने रोज के काम में वो क्या हो गया, मग्न हो गया। तो ये थी स्टोरी, और इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, देखिए, ड्रीम्स आर आफ्टर ऑल ड्रीम्स यानी सपने सपने ही होते हैं, कंटेनमेंट इज द की टू अ हैप्पी लाइफ, संतोष ही सुखी जीवन की कुंजी है, की यानी होता है चाबी होना, कुंजी होना, यानी जो व्यक्ति संतोषी स्वभाव का होता है, जो थोड़े से में खुश होता है, वो सुखी जीवन का एक चाबी है, यानी कोई व्यक्ति यदि खुश रहना चाहते हैं तो उसे संतोषी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो है उसमें संतोष करना चाहिए। तो ये थी स्टोरी की मॉरल, ये हमारी शिक्षा में ये प्राप्त हुआ कि जो आपको भगवान ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए। तो ये आज की स्टोरी थी, कैसे लगी आपको, यदि आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।